हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। मेरा नाम धीरज है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन कंपनी का आगमन, क्योंकि बिहार स्पेशल कर रहे हैं। यूरोपियन कंपनी का आगमन आपने मॉडर्न हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन बिहार से रिलेटेड कंटेंट को आपने छुआ भी नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, बिहार से रिलेटेड क्या कंपनी के योगदान रहे हैं, क्या कंपनी ने किया, बिहार से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा 100 डेज BPSC प्लान है उसी का पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री में पहला 3 टॉपिक क्या है, एक है यूरोपियन कंपनी का आगमन, फिर अंग्रेजी शासन का व्यवस्थापना, जैसे वो बैटल ऑफ प्लासी बक्सर जीता उसका कैसे स्थापित किया, क्या क्या किया बिहार से रिलेटेड, और थर्ड टॉपिक है कि मूवमेंट, क्या क्या लोगों ने रिवोल्ट किया, कौन कौन, जैसे तामर रिवोल्ट करके, हो रिवोल्ट करके आ जाता है, चेरो रिवोल्ट करके आ जाता है, तो सारे रिवोल्ट पे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो ये 3 टॉपिक ऐसा जो बिहार स्पेसिफिक हम लोगों को डिस्कस करना है। उसके बाद अगर आ जाए तो उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में है 1857, खिलाफत, जो पूरा हम डिस्कस करेंगे, शिक्षा विकास सब कुछ। तो पहले ये तीन टॉपिक डिस्कस करना है, उसके बाद वो 10 टॉपिक और डिस्कस करना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री, और ये हम थोड़े डिटेल में करेंगे। एक सीरीज मैंने ऑलरेडी चलाया है लेकिन उतने डिटेल में नहीं है, लेकिन हमें अब डिटेल में करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा डीप कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और कौन से बुक का मैंने यूज किया हो मैं बताता हूँ। देखो, मैंने, मेरे पास 4 बुक है। एक बुक है अरिहंत, इंग्लिश में है, आरोही पब्लिकेशन के, और ये भी इंग्लिश में है। इन दोनों में मोर और लेस, अरिहंत में काफ़ी कम दिया है, आरोही में थोड़ा सा ज़्यादा दिया है। बट इसके अलावा हिंदी की 2 बुक है, क्राउन और एक है प्रभात। प्रभात मनीष रंजन सर वाली किताब है, जो जिनका एनसीईआरटी का समरी वगैरह नहीं देखते हो वो। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट बराबर बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे हम कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी यहाँ पे ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इन चारों में जो भी है वो हमने किया है, तो और रिपीट नहीं करना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम यूरोपियन कंपनी का आगमन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आया बिहार में कौन, सबसे पहले आया पुर्तगीज, ठीक है ना। इंडिया रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, याद रखें कि वास्को डी गामा आया, उसके बाद वो कहाँ पे आए वो सब नहीं डिस्कस करें, ठीक है। सबसे पहले हुगली में इसने अपना सेंटर बनाया था, हुगली में, हुगली बंगाल में है। वहाँ बंगाल से पटना आया, पटना में ये देखो वहाँ से मसाला और चीनी मिट्टी लाया था, और उसके अलावा यहाँ से सूती वस्त्र ले गया। तो पटना से कौन चीज़ खरीद के ले गया था, सूती वस्त्र, और लेके क्या आया, बेचने क्या, मसाला और चीनी मिट्टी के बर्तन, क्लियर। तो पुर्तगीज के बारे में इतना ही हमको ध्यान रखना है बस। उसके बाद अब बात जाता है डच का, डच के बारे में थोड़ा सा डिटेल में याद रखना है। उसके बाद पहला क्या है, 1632 में उसने फैक्ट्री बनाया, सबसे पहला फैक्ट्री पटना कॉलेज के उत्तरी साइड में, ध्यान देना, पटना कॉलेज के उत्तरी साइड में पहला फैक्ट्री बनाया। उसके अलावा 1662 में उसको फरमान मिल गया, फरमान नहीं, एक राइट मिल जाता है बंगाल बिहार उड़ीसा में ट्रेड करने का। लिया किसने, नाथियास वैंगडोंग ने लिया। ये डच के जो ट्रेड वाले ग्रुप के हेड थे ना वो थे, याद रखिए, डच के नाथियास वैडरोग, और इसका नाम एक था बरूक, बरूक मतलब ये पूरा नाम था नाथियास वैडरोग वैंगडोंग बरूक। 1662 में फरमान लिया ताकि बिहार बंगाल उड़ीसा में बिजनेस कर सके। उसके बाद हुआ क्या, ट्रेवनियर की बात करते हैं। ट्रेवनियर 1665 में पटना आया, और पटना से छपरा आया। और अब ये पूछ सकता है, छपरा उस समय किस चीज के लिए फेमस था, जो सोरा था ना, सोरा उसका शुद्धिकरण होता था इसलिए फेमस था, सोरा का शुद्धिकरण होता था इसलिए फेमस था, ठीक है ना। उसके बाद 1848 के आसपास अफगान का एक सरदार, अफगान सरदार जिसका नाम था शमशेर खान, वो आया, अटैक किया पटना पे, ध्यान देना, पटना पे अटैक किया, और डच का जो फैक्ट्री था फतुहा में उसको लूट लिया। ये क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ट्रेवनियर के बारे में हमने पता कर लिया। 1665 में पटना आया, पटना से छपरा आया, छपरा किस लिए यूज होता था वो भी पता चल गया। 1848 के आसपास अफगान सरदार आए शमशेर खान, शमशेर खान ने पटना पे अटैक किया, और डच का जो फैक्ट्री था फतुहा में उसको लूट लिया, ठीक है। उसके बाद इनका 1774 के एक पटना सिटी में, जिसको नेपाली कोठी भी बोलते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने एक अपना फैक्ट्री बनाया। उसके अलावा अंग्रेज से हार का सामना कब पर हुआ, 1769 में बैटल ऑफ बेदारा में, अंग्रेज से वर्सेस इंग्लैंड से,
ठीक है। उसके अलावा मेन किस चीज का बिजनेस ये करते थे, कॉटन ग्रेन सॉल्ट पीटर से। जब भी बिहार की बात आती थी तो आपको कॉटन ग्रेन सॉल्ट पीटर सोरा इन सब से ही व्यापार करते थे। उसके बाद अब कुछ चीजें यहाँ पे देखिए, ध्यान ज्यादा ध्यान देना नहीं है। उसके अलावा 1780-81 के बीच डच और इंग्लैंड के बीच यूरोप में लड़ाई हुआ और इसका इम्पैक्ट आपको बिहार में दिखा। ध्यान देना, डच और इंग्लैंड के बीच यूरोप में लड़ाई हुआ ना, इसका इम्पैक्ट बिहार में भी दिखा। यहाँ पे हुआ क्या, जो पटना में मिलिशिया कमांडर कमांडिंग ऑफिसर थे मेजर हार्डी, ठीक है ना, मेजर हार्डी, ये अंग्रेज का था, पटना मिलिशिया कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी, इसने डच का एक माल गोदाम था ना उसको हथिया लिया। ध्यान देना, डच का माल गोदाम हथिया लिया। अलावा पटना वाला तो ले ही लिया था, उसके अलावा छपरा और सिंधिया वाला जो था ना उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। क्लियर, छपरा और सिंधिया वाले को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद हुआ क्या, लगभग 1781 में, 1781 में पैट्रिक हुइले डच फैक्ट्री की कमान किसने ग्रहण की, मैक्सवेल की, सॉरी पैट्रिक विले ने मैक्सवेल से डच कंपनी का कमांड अपने हाथ में ले लिया। 1784 में फिर से डच को मिल गया ये। उसका 1795 में फिर से फ्रांस और डच के बीच लड़ाई हुआ तो फैक्ट्री फिर से इंग्लैंड के हाथ में चला गया। 1817 में फिर से डच के हाथ में आ गया, फिर 1824 में फिर से इंग्लैंड, ऐसे हुआ। तो यहाँ से आप छोड़ सकते हो याद करना, क्योंकि बार बार एक दूसरे के हाथ में जा रहा था कंट्रोल फैक्ट्री का, ठीक है। 1781 में क्या हुआ था, एक बार याद रखिए, डच फैक्ट्री का जो कमांड था ना पैट्रिक वाइटले के पास आ गया मैक्सवेल के हाथ से, क्लियर। और यहाँ पे आपने देख लिया मेजर हार्डी, ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें देख सकते हो। अब अंग्रेज की बात करते हैं, ऐसा बोला जाता है जो पहला फैक्ट्री उन्होंने आलमगंज पटना में स्टाब्लिश किया, बट वो अगले साल बंद हो गया। 1651 में फिर दूसरा फैक्ट्री स्टाब्लिश किया, कहाँ पे, गुलजार बाग ने, गुलजार बाग में, कब, 1651 में। और तीन चीज मेन फेमस करते थे, एक थे अंबरती कैलिको वस्त्र, अंबरती कैलिको जो कपड़ा होता था, कच्चा रेशम, ध्यान देना कच्चा रेशम के भी ये करते थे, और सोरा और अफीम। तो आप याद रखना, पटना से यानी बिहार से किस किस चीज़ों के कौन कौन चीज़ों का ट्रेड करते थे इंग्लैंड, अंबरती कैलिको वस्त्र, कच्चा रेशम, सोरा और अफीम, याद रखना है। उसके अलावा पटना के पास एक जगह है लखवार, वहां पे मेजर ये सेंटर था अंबरती कैलिको वस्त्र का, लखवार, लखवार याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है लखवार किस लिए फेमस था पटना का, तो कैलिको वस्त्र से रिलेटेड, ये आराम से पूछा जा सकता है। उसके अलावा एक जॉब चारनोक थे, चारनोक, ठीक है ना, 1664 में इनको अंग्रेज फैक्ट्री का हेड नियुक्त किया गया था, क्लियर, सो हेड। अब देखो अब क्या हुआ, मेन ध्यान देना यहाँ पे, 1680 में क्या हुआ, बिहार का जो सूबेदार था ना शाइस्ता खान, उसने अंग्रेजी के व्यापार पे 3.5% का टैक्स लगा दिया। तो अब जो चौरनक जिसको हेड आपने बनाया, कब हेड बनाया, 1664 में हेड बनाया, इसने क्या किया, 1686 में हुगली शहर को लूट लिया, ठीक है ना। अब इससे गुस्सा आ गया शाइस्ता खान, शाइस्ता खान ने अंग्रेज के बिहार और बंगाल की सारी संपत्ति जब्त कर ली। उसके बाद एक संधि हुआ 1690 में, एक संधि हुआ, संधि में अंग्रेजी व्यापार ने फिर से व्यापार स्टार्ट कर लिया। उसके अलावा 1607 में अंग्रेजी डेथ सॉरी औरंगजेब की डेथ हो गई, तो ट्रेड बहुत खत्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 1713 में पटना की फैक्ट्री क्लोज करवा दी फरुखसियार, ठीक है ना, और 1717 में फिर से रिवाइव हो गया, फरुखसियार ने ही रिवाइव करवाया। 1750 में नवाब अलीवर्दी खान ने बंद करवा दिया फिर से, 1755 में फिर से चालू हो गया। उसके बाद तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ 1765 में, और इसका दीवानी राइट मिल गया बिहार बंगाल उड़ीसा का, किसको, इंग्लैंड को। तो इसके बाद तो इंग्लैंड को कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है, सिंपल सारे फैक्ट हमने कर लिए। आलमगंज पटना 1621 में बंद, ये दो फैक्ट्री है चंदसूरा और कासिम बाजार, ये डच से बचाए अंग्रेज ने, ये हुआ। उसका डेन्स के बारे में बात करते हैं, 1774 में पटना में इन्होंने फैक्ट्री बनाया, और 1774 में डेन्स ने सबसे पहले फैक्ट्री बनाया पटना में, और इसका जो चार्ज है जॉर्ज वर्नर को चार्ज में रखा, वर्नर,
हेड क्या है, जॉर्ज वर्नर। उसके बाद 1801 में, 16 का मैंने इनका व्यापार था, 1801 में क्या हो, इंग्लैंड और डेन्स के बीच हो गया भिड़ंत, ठीक है ना। तो पटना फैक्ट्री और सेरामपुर कोठी दो जगह थे, एक फैक्ट्री और एक कोठी, ये दोनों इंग्लैंड के हाथ में चला गया। पहले किसका था, डेन्स का था, ठीक है ना, मतलब डेन्स का था पटना फैक्ट्री और सेरामपुर कोठी, ये दोनों अंग्रेज के हाथ में चल गया। उसके बाद एक आमिया की ट्रीटी हुई, आमिया की ट्रीटी के बाद डेन्स को वापस सब कुछ मिल गया। 1845 में सब कुछ फिर से इंग्लैंड के हाथों में चला गया, ठीक है। ट्रेवलर की एक ही बात करते हैं, टेवेनियर, ट्रेवेनियर, इसको ट्रेवेनियर बोलते हैं, ये फ्रांस का था, याद रखना फ्रांस का था। पटना आया और पटना को बोलता है सेकेंड बिगेस्ट सिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। और एक और था मैरिच, मैनरिच करके करते हैं, मैनरिच ने बोला था कि बिहार का पॉपुलेशन उस समय, पटना का पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा था, और ये ट्रेवेनियर पटना के बाद कहाँ गया, छपरा गया, ये भी ध्यान रखना आप लोगों। अब ये फ्रांस के बारे में है, दो तीन चीज डिस्कस कर लेना फ्रांस के बारे में। देखो सबसे पहले फ्रैंकोइस मार्टिन 1664 में इंडिया में पौंडीचेरी में पहला सेंटर बनाया, माही कराई काल में, फिर बंगाल में आया, मेन चंद्रनगर बंगाल में आया, उसके बाद वो पटना में आया, माल गोदाम बनाया 1734 में। उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ाई हुआ, ध्यान देना, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ाई हुआ, इंग्लैंड ने बंगाल का जो चंद्रनगर वाला था ना उसको कब्जा कर लिया, ठीक है ना, कब्जा कर लिया 1757 के आसपास। अब हुआ कि जो फ्रांस का एम जियाला था, ध्यान देना, हेड था फ्रांस का जो ट्रेड वाले का हेड था, उसको बंगाल छोड़ के जाना पड़ा, वो भागलपुर भाग गया, भागलपुर से पटना गया, पटना में उनको, पटना का जो हेड था राजा राम नारायण, उन्होंने वेलकम किया, ठीक है ना, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है। बंगाल, इंग्लैंड ने बंगाल को कब्जा कर लिया, और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो फ्रांस का हेड था एम जियाला, वो बंगाल छोड़ के भाग गया, क्लियर ना, बंगाल छोड़ के भाग गया। और उसके बाद वो भागलपुर गया, भागलपुर से पटना गया, पटना का जो हेड था ना गवर्नर, डिप्टी गवर्नर था, डिप्टी गवर्नर राजा राम नारायण ने उसको क्या किया, हेल्प किया, मतलब स्वागत किया। उसका जो प्लासी का युद्ध हुआ ना, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जियाला को बोला भाई आप आ ही नहीं सकते अब, ठीक है ना, बैटल ऑफ प्लासी के बाद तो जियाला को आना ही नहीं है। एम जियाला फ्रांसीसी कंपनी के हेड थे, प्रमुख थे, माल गोदाम सब अंग्रेज के कब्जे में आ गया 1761 में, वो सिर्फ पौंडीचेरी भी उसके हाथ से चला गया। 1773 में एक डैरिफ की ट्रीटी साइन हुई, डैरिफ की ट्रीटी के बाद फ्रांस का क्षेत्र वापस उसको मिल गया, डैरिफ की ट्रीटी। उसके बाद 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, तो फ्रांस इसके बाद सिर्फ पौंडीचेरी में रहा, 1814 के बाद फ्रांस और बिहार का कोई नाता ही नहीं रहा, सब कुछ इसका खत्म हो गया, सब कुछ लूट लिया गया। तो ये हम 4 देश के बारे में किया, फ्रांस, डेनिस, उसके बाद डच, पुर्तगीज, ठीक है। और 26 जून से स्टार्ट हो रहा है हमारा 100 डेज का प्लान, ठीक है ना, ये उसी प्लान का पार्ट का वीडियो था। इसका PDF मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, जिस आप देखो ज्वाइन कर लोगे ना, जैसे इस नंबर पे मैसेज करके आप ज्वाइन कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे, कंटेंट आपको अच्छी से मिलना शुरू का, बट 26 जून से प्लान मिलेगा कि इस दिन क्या करना है, इस दिन क्या क्या करना है, इस दिन क्या क्या करना है, इस दिन क्या क्या करना है, ताकि आपका जो मार्क्स हो वो 100+ आ जाए, ठीक है ना, नेट मार्क्स की बात कर रहे हैं। और क्योंकि अब तो निगेटिव मार्किंग भी है, जैसे पिछली बार आपको पता चला 91 से 92 के बीच कट ऑफ रहा, ठीक है ना, तो जनरल में तो हमें सबको चाहे किसी कैटेगरी से हो इसी रेंज में जाना है, तो इस रेंज में जाने के लिए इसमें जाए जा, क्योंकि पिछली बार तो लोगों को उतना, पहली बार निगेटिव मार्किंग में एग्जाम दिए थे, इस बार कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर उठेगा ही उठेगा, ठीक है ना, मे बी क्वेश्चन का लेवल इम्प्रूव हो जाए तो मार्क नहीं उठे, ठीक है, तो लेकिन चांसेस तो हम ऊपर ले जाके ही करेंगे ना। तो इस नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है, ज्वाइन करना है, अभी मैसेज करना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।